मम्मी करने चलना है राखी बांधू फ्रेंड को, फ्रेंड को राखी बांध रही हो? चलो 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 बता दो कि ना, हाय गाइस वेलकम बैक टू मिशिका का फैमिली चैनल। मम्मा की फैमिली चैनल आ गई भी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिका का फैमिली चैनल। आप बोलो वेलकम, वेलकम मिशिका का फैमिली चैनल। क्या कर रहे हो आप सब? आप सब क्या कर रहे? इधर देख के बोलो। इधर आप सब क्या कर रहे? क्या ना आप लोग मुझे याद नहीं करते? नहीं करते। आप लोग मुझे बिल्कुल याद नहीं करते? हाँ करते। करते हैं? किसने बोला आपको? कहना मेरे बाल आ गए, बता दो मेरे बाल आ गए, बता दो, दिखा दो, दिखा दो आपके बाल आ गए, दिखा दो। कहना देखो मेरे कितने क्यूट बाल आ गए, ऐसे नहीं ऊपर करके दिखा दो। कहना देखो मेरे कितने क्यूट क्यूट बाल आ गए, क्यूट है। क्या किया आपने? क्या खाया नाश्ते में? राखी बांधी। नाश्ते में क्या किया? नाश्ते में दूध चोकस। दूध चोकस खाया? हाँ। और मम्मा को क्या खिलाया नाश्ते में? मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह का बज रहा होगा समथिंग 8:30, और आज यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैंने फटाफट से नहा लिया और मैं रेडी वेडी कुछ भी नहीं हुई, इवन मैंने बिंदी भी नहीं लगाई, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि फटाफट से मैं पापा को कुछ नाश्ता बना के दे दूँ, काफ़ी लेट हो रहा है। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पापा के लिए करेले की सब्ज़ी रोटियाँ। तो करेले की सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ वो मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि करेले को कट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो वेलकम कर लेती हूँ आप लोगों का। अनमिशिका को मैंने ब्रश करा दिया है, उसको मैंने नाश्ता भी करा दिया है। सो चलिए हम अपना अब रूटीन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे काट रही हूँ करेले, और मैं बहुत पतले पतले काट रही थी, मुझे लगा कि सुबह सुबह बनाना है और अच्छे से बन जाए। बट क्या हुआ कि पापा ने फिर मना कर दिया। पापा बोले काम करो बेटा, कुछ और बना लो नाश्ते में, करेले में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये काटने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कड़क होती हैं, मतलब सॉफ्ट वाले ही लाते हैं पापा, बट इस चाकू से प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि हाथ नहीं लगी है ना ये वाली चाकू, इसलिए मैं दोनों तरीके से काटती हूँ। कई बार मैं गोल भी काट लेती हूँ, बट उसके बीज निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं बात कर रही थी बुआ से, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और अच्छी खासी बारिश भी हो गई थी, इसीलिए सो यहाँ पे मैं अपने करेले जो हैं वो अच्छे से काटे जा रही हूँ। और आप लोगों के यहाँ पे सुबह का रूटीन कैसा होता है? आई थिंक जो लोग भी अपने ससुराल में रहते हैं उनका सुबह का यही होता होगा, सुबह उठो और थोड़ा ब्रश ब्रश करो, नहा धो, फिर नाश्ता बनाओ, जैसे कि मेरा रूटीन है। एंड कई लोग इस साड़ी के बारे में पूछ रहे थे कि दी इसका कलर निकल रहा है क्या? तो हाँ निकला, कलर तो निकलता है, बट इसके पहले भी जो मैंने लोकल मार्केट से ली थी ना उसका भी कलर निकलता था, वो रेड कलर की थी मेरे पास, जो उसका भी कलर निकलता था। कई लोग ना करेले के बीज नहीं निकालते, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, बट मैं पूरे बीज निकाल देती हूँ और फिर इन्हें नमक में भिगो कर रख देती हूँ। और लाइक अगर ज़्यादा टाइम है तो मैं 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। सो फिर मैंने लंच में इनको बनाया था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कढ़ाई में तेल चढ़ाया, तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, और जीरा डालने के बाद मैंने उसमें डाल दी प्याज। प्याज मैंने डाली थी 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, तो मैं प्रॉपर रेसिपी बता रही हूँ आपको। मीडियम साइज़ की ये 3 प्याज मैंने इसमें काट करके डाल दी, और क्योंकि करेला की क्वांटिटी, प्याज की और टमाटर की क्वांटिटी अगर थोड़ी सी भी सिमिलर होती है ना, तो करेले का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। और हमारे घर में बाबू नहीं पसंद करते थे करेले, बट मैं अभी बना रही हूँ ना तो वो डेली खा लेते हैं, और हर 1-2 दिन के बाद बनते ही है, क्योंकि शुगर वालों के लिए बहुत सही होते हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए। सो यहाँ पे मैंने प्याज में डाल दी हैं 2 हरी मिर्च काट के अच्छी लंबी लंबी, बीच से फाड़ के,
और इसको मैं अच्छे से प्याज को ब्राउन कर दूंगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं ये करेले। करेले को मैंने एक घंटे के लिए भिगो के रख दिया था पानी में और नमक में, नमक वाले पानी में। आप चाहें तो नींबू वाले पानी में भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने उनको दो तीन पानी अच्छे से धोया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें डाला है। ठीक है, तो मैंने नमक डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि नमक में भिगो के ज़रूर रखे थे, बट क्योंकि हमने दो तीन पानी से धो लिया है तो नमक तो सारा निकल ही गया होगा और इनका कड़वापन भी, लेकिन इतना भी कड़वापन नहीं निकलता। ये देसी करेले हैं तो इनमें बहुत कड़वापन होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिला दिया है इसको, और नमक डालने के बाद मैं इसे ढक दूँगी। ढकने के बाद मैंने इसे 3 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकने दिया। 3 मिनट बाद देखिए कुछ ऐसा इसका कलर हो गया था। अब इसको हम अच्छे से भुनने देंगे, क्योंकि इसमें भुनाई लगती है लेकिन मैं बाद में भूनती हूँ, पहले मैं पका लेती हूँ। कई लोग इसे ढक के नहीं पकाते हैं, क्रंची बनाते हैं, बट क्योंकि पापा जी इससे रोटी खाते हैं तो मैं थोड़ी ऐसी बनाती हूँ कि आसानी से रोटी खप जाए। यहाँ पे हमारे जो करेले हैं वो पक चुके हैं। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर के सारे बीज निकाल के, और सिंपल टमाटर डाले हुए हैं। अगेन ये 3 टमाटर थी मीडियम साइज़ के, और इनको मैं ढक दूँगी। और तब तक मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि मुझे रोटियाँ भी सेकनी थी, दाल भी बनानी थी, चावल भी बनाने थे, तो मैं फटाफट सब कुछ कर रही थी। यहाँ पे ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब मैंने इनको अच्छे से मिला देना है, और मिलाने के बाद ये सब्ज़ी का जो आप टेक्सचर देख रहे हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बहुत अच्छा है। तो हमें इसी टेक्सचर में चाहिए कि लिक्विड भी ना रहे सब्ज़ी और ड्राई भी ना रहे। रेगुलर मसाले आप इसमें डाल दीजिए, जैसे कि हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मीन सब्जी मसाला। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है अच्छे से, और मिक्स करने के बाद क्या बोलते, थोड़ा सा इसको पकने देना है। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मसाले का कलर सब्जी के ऊपर कितने अच्छे तरीके से चढ़ गया है देख ही सकते हैं। अब इसे हम ढक के पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, तो मसाला पक जाएगा। यहाँ पे मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो दिखा दूँ रेसिपी। 2 टमाटर डाले हुए हैं, छोटे साइज़ के टमाटर हैं, बीज निकाल दिए हैं टमाटर के। अब इसमें हमें क्या करना है, डालना है नमक और हल्दी। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बॉईल करते टाइम ये चीज़ें ऐड करती हूँ। कई लोग फ्राई करते टाइम, जब दाल को फ्राई देते हैं, तड़का लगाते हैं, तब भी कर देते हैं। तो डिपेंड करता है आप कब करना चाहते हैं। मुझे बॉईल करते टाइम ये सही लगता है, तो मैं ये प्रोसीजर बॉईल करते टाइम डाल देती हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है पानी। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी मैं ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि ये जो दाल होती है ना सीटी लगते लगते सोख लेती है पानी को, काफ़ी सोख लेती है। और मैंने यहाँ पे इसको चढ़ा दिया है, तो ये एक साइड हमारी जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है, और दूसरी साइड दाल चढ़ी हुई है। कई लोगों ने मुझे बोला कि दी तब आपको ऐसे टिका के नहीं रखते, मुझे पता नहीं था। थैंक यू आप लोगों ने बताया, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। कल की ही वीडियो में कमेंट आया था ये, तो मैंने रात में वो कमेंट्स पढ़े, और ये वीडियो तो कल के दिन की है। यहाँ पे हमारी जो दाल है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है, और टमाटर क्योंकि मैंने आधे आधे डाले थे तो वो भी अच्छे से पक चुके हैं। और इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि दाल जो गाढ़ी हो गई है वो पतली हो जाए थोड़ी सी। एंड हाँ, बॉईल करते टाइम मैंने थोड़ा सा घी भी डाला था, और घी में ही इस दाल का मैं तड़का लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने घी डाला, घी में मैंने डाल दी 4-5 लौंग, उसके बाद मैंने डाला इसमें जीरा, और जीरे के बाद मैंने इसमें डाली थोड़ी सी हींग, और हींग के बाद मैंने इसमें डाली हरी मिर्ची और लहसुन। और लहसुन इसमें अच्छा पड़ता है, लहसुन और अदरक आप जितना ज़्यादा डालेंगे दाल का टेस्ट उतना अच्छा आएगा। सॉरी कैमरा सेक हो रहा, क्योंकि मैं ही बना रही थी और मैं ही कर रही थी, छोटा ट्राईपॉड नहीं है। जैसे ही आ जाएगा आप लोगों के साथ रेसिपी वगैरह शेयर कर दिया करूँगी अच्छे से। अब मैंने जैसे ही प्याज और सॉरी मिर्ची और लहसुन हो गया था, तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है, जितनी अच्छी ये ब्राउन हो जाएगी उतनी अच्छी, क्योंकि दाल में जब ऊपर प्याज के टुकड़े ब्राउन ब्राउन से दिखते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए प्याज हमारी जो है वो ब्राउन हो ही जा रही है, और मैं इसको थोड़ा चलाते चलाते भी ब्राउन कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाला है ये अदरक किसके,
और अदरक को मैंने किस के डाला हुआ है, एक पिंच अदरक होगा, और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। क्योंकि अदरक अगर पहले डाल देते ना तो फिर वो जल जाता, तो क्योंकि किसा हुआ अदरक डाला है हमने, तो हमने इसे थोड़ा पकने देना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया कलर के लिए, सिर्फ ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने कलर के लिए ऐड करना है क्या, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। इससे हमारी जो दाल का कलर है वो बहुत अच्छा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने इसमें सब्जी मसाला भी ऐड कर दिया, कोई ऐड नहीं करता, बट बिलीव मी गाइस, आप ऐड करिएगा और फिर खाइएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, एक बार टेस्ट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा बनता है। सो यहाँ पर ये देखिए, दाल में हमने अच्छे से तड़का लगा दिया है, और इसको अब हम अच्छे से खौला लेंगे। जब अच्छा खौल आ जाएगा तो इसका कलर देख रहे हो कितना येलोइश कलर आया है, और कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और इसमें आप जितना सारा धनिया पत्ती डाल सकते हैं ना डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें धनिया पत्ती अगर आप पीस के डालेंगे ना तो उसका स्वाद तो और दुगना हो जाएगा। मैंने काट के डाली हुई है। यहाँ पे मैं पापा की थाली निकाल रही हूँ। सो पापा की थाली में करेले की सब्ज़ी, रोटी और दाल, सिंपल सा खाना। और मैं पापड़ भी भून के उनको बाद में देती हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी इस टाइम पे। चलिए गाइस, अब मैं मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो रही है। कल मैंने आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं की, और उसका रीज़न बहुत बड़ा था कि जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि बाबू को पेन हो रहा है पेट में, और जिसका हमें लग रहा था कि इनको पथरी ही है, लेकिन डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट किया एंड इनका अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें पथरी नहीं निकली थी। और अचानक से मैंने आप लोगों को मेरे पिछले ब्लॉग में बताया था कि बाबू दिखवाने गए हैं, दवाइयाँ लेने गए हैं। तो इस बार इन्होंने बोला कि पापा ये दवाइयाँ तो मतलब एक तरीके से पेन किलर है ना, दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। और ये लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए, और जो पथरी का स्पेशलिस्ट है उसके पास गए थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सुदेश जैन। सुदेश जैन, उनके पास इन्होंने दिखवाया, और वहाँ इनको पता चला, फिर उन्होंने बताया कि लेफ्ट राइट किडनी के पास करवाने के बाद ही बोला सोनोग्राफी। अच्छा, सोनोग्राफी के बाद बोला उन्होंने, तो दोनों साइड इनको पथरी निकली है। लेकिन थिंग इज कि अब इनसे परहेज नहीं हो रहा, क्योंकि परहेज नहीं कर सकते ये, हमारे बस का। इनका कहना है, डॉक्टर को भी उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं परहेज नहीं कर पाऊँगा, मैं खाऊँगा पीऊँगा नॉर्मली, जो खाना पीना मैं खाता हूँ। जैसा कि कई बार आप लोगों को मैंने बोला है कि हमारे घर में टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अगर खाने पीने में टेस्ट नहीं है तो खाना नहीं खा सकते। अब जो दाल बथरी में खाई जाती है वो दाल बाबू नहीं खा सकते, ठीक है, उनको खा सकते हैं पर कभी कभार थोड़ी डेली वो नहीं खा सकते, डेली नहीं खा सकते। टमाटर बिना इनकी नहीं चलने वाली है, तो मैंने सोच लिया है कि बीज निकाल के रख दिया करूँगी, बीज में ज़्यादा पथरी का रहता है, बाकी टमाटर यूज़ किया करूँगी। तो इसीलिए मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, कुछ समझ नहीं आया। देने चले थे गुड न्यूज़, सोचा था कि आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया ही था, है ना, लेकिन ये बैड न्यूज़ है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बैड न्यूज़ है, बिकॉज़ पापा का परहेज चलता ही है, वो भी परहेज ही खाना ही लगता है, और अब इनका भी परहेज ही खाना है घर में। तो मतलब एक इंसान कितना कुछ मैनेज करे, अब तो मैं भी परेशान होने लग गई हूँ। साथ ही वहाँ पे मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मम्मी को लूज मोशन वगैरह हो रहा है, तो उनको भी एडमिट कराया है कल दीदी ने। तो मतलब कुल मिला के ये है कि हमारे घर में ना कोई स्वस्थ नहीं रह पाता, और ये है, ये बात फैक्ट है कि इंसान हर जगह से स्वस्थ नहीं रह सकता, इंसान हर जगह से खुश नहीं रह सकता है। जिसके पास पैसा होगा वो शरीर से टूटा रहता है, तो मौसम भी तो ऐसा हो रहा है ना, पानी गिर रहा है। लेकिन मम्मी की तो तबीयत आए दिन खराब रहती है, क्योंकि एक तो क्या है, मम्मी पापा दोनों को हमारी शुगर है, ठीक है, और जिनको शुगर होती है ना, उनको बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी पकड़ती हैं, एक छोटी सी फुंसी भी फोड़े का रूप ले लेती है। अब ऐसी मम्मी को डाइजेस्ट नहीं हो पाता बहुत जल्दी, कुछ भी खाती हैं वो, तो उनका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। मिसी का कोई बुखार आ गया था नाइट में,
और आज मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास। अब मेरा क्या है मुझे भी नहीं पता, आज फाइनल जो भी होगा वो पता चल जाएगा, तो कल मैं आपको बताऊंगी। बाकी आज जाना है शाम की अपॉइंटमेंट 4:30 बजे की ना। हाँ, शाम के कितने बजे? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कहाँ दिखवा रहे हो, चंदा जैन को तो सभी जानते होंगे वहीं पे, निखार या फिर निखार मैडम, दो में से किसी एक के पास। सो चलिए गाइज, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई नो कि आप लोगों को इस टाइप के न्यूज़ मेरे चैनल पे आजकल बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, आजकल नहीं, आई थिंक कि जब से मेरी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया था तभी से। और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि देखो, घर में कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों से छुपा नहीं पाती हूँ। अगर मैं हंसती हूँ तो वो रियल हंसी आपको नज़र आती है, लेकिन अगर मैं दुखी हूँ तो रियल दुख भी आपको नज़र आता है। अभी मैंने नहाया नहीं है, सुबह सुबह उठी हूँ। पापा जी आज अपनी जॉब पे गए हैं, कुछ काम था उनका, और हम दोनों अभी नाश्ता करके जस्ट उठे हैं। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, लेकिन उसके पहले वीडियो एंड करना ज़रूरी था, मुझे तो मैंने नहाने करना कर दिया। मुझे भी नहाने करना, कर लेना, करेंगे ना अपन। तो पापा मुझे बहुत याद करेंगे, याद करेंगे इतने से टाइम में हम 2 घंटे बारिश के नहाने कर सकते। अरे बारिश में 2 घंटे नहाने कर सकते। बाय 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 बाय, लव यू, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें, घंटी बजाएं, घंटी बजाएं, और सो जाए, सो जाए, और खाना खा ले। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, फ्लाइंग किसी आप ही करो।